सन विक्रम, मेरा सवाल। किसी नगर में कोई सीधा साधा गरीब श्यामू रहता था। वह दीवालों की रंगाई करने का काम करता था, जिसके लिए वह हमेशा दूसरे नगर रंगाई करने जाता था। एक दिन जब वह दूसरे नगर से कुछ सिक्के कमा कर अपने घर लौट रहा था, तब कोई अंधा आदमी उस श्यामू के पास आकर खाने के लिए सिक्के मांगता है। श्यामू मेहनती होने के साथ साथ दयालु भी था। वह उस अंधे आदमी को कमाए सिक्कों में से आधे सिक्के दे देता है। आगे जाने पर उस श्यामू के पास एक व्यापारी आता है। वह कहता है, तुम वैसे भी गरीब हो, तुम्हें किसी को अपना कमाया धन सोच समझ कर देना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वह आदमी अंधा नहीं है। वह देखो, वो जा रहा है। उस आदमी को अंधा न पाकर श्यामू उसे देखकर हंसने लगता है। तो बता विक्रम, वह श्यामू बेवकूफ बनने की वजह से हंस रहा था या कोई और बात थी? तो सुन बेताल, जैसा कि तुमने बताया, श्यामू एक सीधा साधा दयालु और मेहनती आदमी है। जब वह देखता है कि उसने जिस आदमी को अपने कमाए सिक्के दिए वह अंधा नहीं है, यह देखकर वह हंसने लगता है। उसके हंसने का कारण उसका बेवकूफ बनना नहीं था। वह हंस इसलिए रहा था क्योंकि उसे खुशी हो रही थी कि वह आदमी अंधा नहीं है, इसलिए श्यामू खुश होकर हंस रहा था। सही जवाब विक्रम, लेकिन तू बोला मैं चला।